बिहार में स्कूल की छुट्टियों पर एक बार फिर घमासान मच गया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल बिहार में एक बार फिर से सियासी घमासान की शुरुआत हो गई है। इस बार घमासान की वजह बिहार सरकार की ओर से 12वीं कक्षा तक के लिए जारी छुट्टियों का कैलेंडर है, जिसके बाद से बिहार सरकार पर विपक्ष के तरफ से अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार ने साल 2024 के लिए 12वीं कक्षा तक के स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज जैसे त्योहारों पर छुट्टी ही खत्म कर दी गई। तो वहीं इसके ठीक विपरीत ईद के लिए अब 3 दिन की छुट्टी दी गई है, जिसे आधार बनाकर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तुष्टिकरण का आरोप लगाया जा रहा है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर बिहार सरकार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्यौहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, आप रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं, यानी चुन चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे, उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी, उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। कहा कि बिहार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार कहा है, तो वहीं अश्विनी कुमार चौबे अपने ट्वीट में तुष्टिकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार बोलते हुए नीतीश को आड़े हाथों लेते रहे। वहीं इस पूरे मामले में कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल बीजेपी ने स्कूल की छुट्टियों को लेकर नीतीश सरकार को जमकर घेरा है। इसमें कुछ एक पहलू को छिपाया गया है। सबे बारात की छुट्टी घटाई गई, इसकी कोई चर्चा नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 60 दिनों की बाध्यता है। वह 60 दिनों की बाध्यता का अनुपालन पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। जो हिंदुओं का पर्व है, उस पर्व में यथावत छुट्टी कायम है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। लेकिन रक्षाबंधन की छुट्टी के बारे में मुझे अद्यतन जानकारी नहीं है, लेकिन महाशिवरात्रि से लेकर के, कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर करके, बसंत पंचमी से लेकर करके, होली, दशहरा से जितना ले जानकी नवमी तक, सारी छुट्टियां यथावत कायम हैं। अब महत्वपूर्ण विषय है कि जिन छुट्टियों को बढ़ाया गया है, आखिर उसका कारण क्या है, इस संबंध में तो शिक्षा विभाग ही स्पष्टीकरण देगा। लेकिन मुसलमान लोग की जो भी है ईद, बकरीद से कुछ छुट्टी तो बढ़ा दी गई और बीजेपी से तुष्टिकरण की राजनीति। अब सबे बारात किसके लिए है, तो आप कैसा तुष्टिकरण करते हैं कि गुजरात में दीपावली का 60 दिन का छुट्टी, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सूर्य उपासना में, छठ पूजा में 1 दिन की छुट्टी, तो वहां सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मामले में जब राजनीतिक चश्मे से देखने से बेहतर होगा कि शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण देने के बाद मंतव्य दें।